भाई एथलेटिक क्लब और उसके बाद फिर थर्ड डिवीजन साइड एल्कोयानो से हारने के बाद रियल मैड्रिड एक मिनी क्राइसिस पे है एट द मोमेंट इट सीम्स, क्योंकि वी हैव गॉन आउट ऑफ टू कॉम्पिटिशन इन लेस देन अ वीक एंड इट्स बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मैड्रिड। एंड अगला गेम वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज रीजनेबली सिर्फ द लास्ट ट्रॉफी दैट वी कैन एक्चुअली विन विद द स्क्वाड दैट वी हैव एंड विद द टीम दैट वी हैव। एंड वी आर प्लेइंग अगेंस्ट अ रेलीगेशन थ्रेटन टीम। यस, हम बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड वर्सेस अलावेस के गेम के बारे में। एंड भाई दिस गेम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो भाई बिफोर वी स्टार्ट विथ एनीथिंग एल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि भाई माई प्रेयर्स आर विथ जिनेदिन जिडान एंड हिज फैमिली। आई होप वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे एंड आई होप ही इज बैक टू द पिच। नो मैटर वॉट इज गोइंग ऑन द फुटबॉल पिच, देर आर सम थिंग्स मोर इंपॉर्टेंट देन फुटबॉल एंड आई प्रे कि भाई जिडान जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। विद दैट सेड, एक चीज तो कन्फर्म है कि भाई ही विल नॉट बी ऑन द टच लाइन। एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव फोर वेरी क्रूशल फर्स्ट टीम प्लेयर्स जो अभी इंजर्ड हैं एंड हु आर नॉट गोइंग टू फीचर इन दिस मैच। फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा सर्जियो रैमोस, सेकेंड रहेगा हमारा सेकेंड चॉइस सेंटर बैक इन नाचो, थर्ड कारवाहाल इज इंजर्ड एज वेल, एंड फोर्थ एंड फाइनली रोड्रिगो भी इस मैच में फीचर नहीं करेगा। दैट मीन्स विथ फोर इंजरी मार्टिन ओडिगार्ड होने ही नहीं वाला है बिकॉज ही इज इन टॉक्स विथ गोइंग टू आर्सेनल, तो ही विल ऑल्सो नॉट फीचर टेक्निकली। वेलवाडे बहुत डाउटफुल है, मोस्ट प्रोबेबली वेलवाडे भी नहीं खेलेगा इस मैच में। आई वुडेंट से क्योंकि उनकी टीम खराब है, बिकॉज दे आर 17th इन द लीग, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग दिस सीजन। 19 मैचेज में दे हैव ओनली वन 4 मैचेज आई थिंक, एंड दे हैव ड्रॉन 6 एंड दे हैव लॉस्ट 9, तो दे आर जस्ट अ पॉइंट अबव एल्चे जो 18th पोजिशन पे है एट द मोमेंट। बट दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड आर ऑन अ 4-point लीड अगेंस्ट रियल एंड दे हैव 2 गेम्स इन हैंड। मतलब ये गेम हारना वुड रियलिस्टिकली मीन कि हम उनसे 12-13 पॉइंट पीछे हो जाएंगे, विच विल बेसिकली एंड द टाइटल चैलेंज हियर इन जनवरी, जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि चैंपियंस लीग जीतना रियलिस्टिकली लुकिंग एट इट बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और लीग जीतना पॉसिबल है अगर एथलेटिको पॉइंट्स ड्रॉप करती है, बट इसके लिए हमको छोटी छोटी टीम से एटलीस्ट हर एक मैच में 3 पॉइंट्स लेकर आना पड़ेगा। एंड एलावेस श्योरली आर अ स्क्वाड जिनके खिलाफ हमको 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। नाउ लुकिंग इनटू इट, रियल मैड्रिड की स्क्वाड फिर भी फेयरली स्ट्रांग रहेगी। अगर मैं अपनी यू नो प्रिडिक्टेड लाइनअप बताऊँ तो आई थिंक कर्तोआ विल स्टार्ट इन गोल। मेरे हिसाब से लुकिंग एट इट आई थिंक लेफ्ट बैक तो मेंडी ही स्टार्ट करेगा, मार्सेलो हैजंट रियली इंप्रेस्ड अस इन द लास्ट गेम एज वेल। सेंटर बैक वुड ऑब्वियसली बी वरान एंड एडा मिलिटाओ, क्योंकि और दोनों सेंटर बैक्स हमारे इंजर्ड है। ऑन द राइट जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है विद जिडान एंड हिज कोचिंग स्क्वाड, मुझे लग रहा है राइट पर इट्स गोइंग टू बी लुकास वास्क्वेस। मिडफील्ड वही हमारी 3 रहेगी बिकॉज रियलिस्टिकली स्पीकिंग और कोई बचा ही नहीं है, सब या तो नेग्लेक्टेड है या तो इंजर्ड है, तो वी आर गोइंग टू हैव मॉड्रिच क्रूस एंड केजिमिरो। अटैकिंग वाइज मुझे लग रहा है लेफ्ट से हजार्ड को फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू ट्राई, बिकॉज इट्स अ स्मॉल टीम, हजार्ड नीड्स कॉन्फिडेंस, शायद उसको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिले टू स्टार्ट विथ फ्रॉम द लेफ्ट। आई थिंक ही विल प्ले ओवर विनीशियस, मुझे जहाँ तक लग रहा है। थ्रू द राइट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी असेंसियो, एंड सेंटर से इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी बेंजिमा, और कोई स्ट्राइकर है ही नहीं हमारे पास रियलिस्टिकली स्पीकिंग। एंड ये मैच इसी टीम के ऊपर रहेगा मोर और लेस, सब्स्टिट्यूट से कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट सब मुझे दिख भी नहीं रहा है। एंड इस टीम को इस मैच में दे हैव टू टेक आउट अ रिजल्ट, सम हाउ दे हैव टू टेक आउट अ विक्ट्री। एलावेस को अगर देख ले तो भाई दे आर नॉट पर्टिकुलरली अ वेरी गुड बॉल प्लेइंग टीम, डिफेंसिवली दे हैव बीन बैड दिस सीजन, बहुत गोल्स कंसीड कर रहे हैं, एंड रिसेंटली ही कोपा डेल रे से दे लॉस्ट टू अ सेकेंड डिविजन साइड 5-0। तो दे आर वेरी पुअर डिफेंसिवली, वेरी बैड एज ए टीम करेंटली। उनका कोच इसी मंथ के स्टार्टिंग में सैक हुआ है आफ्टर दैट लॉस। दे हैव अ टेम्पररी प्लेसमेंट एट हिज प्लेस जो ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं है, हु विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द क्लब एज प्रॉपरली। अगर हम इनके खिलाफ एक रिजल्ट नहीं ला पाते हैं, इफ यू कैन नॉट गेट अ रिजल्ट अगेंस्ट देम, आर चांसेज ऑफ विनिंग द लीग आर ओवर, आर चांसेज ऑफ विनिंग एनीथिंग दिस सीजन आर ओवर।
सिर्फ एक होप है छोटी सी कि रियल मैड्रिड फाइनली, बिकॉज वी हैव सीन टाइम एंड टाइम एंड टाइम एंड टाइम अगेन कि जब टीम ज़्यादा सफ़र करती है, जब टीम को ज़रूरत होती है एक विक्ट्री की, तब रियल मैड्रिड समहाउ कम अप विद द गुड्स, समहाउ डू समथिंग जिससे कि हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हैं. एंड आई रियली होप दिस गेम इज़ वन ऑफ देम, एंड आई रियली होप कि मैड्रिड इस गेम को कम्फर्टेबली विक्ट्री करती है. लुकिंग एट माई प्रिडिक्शन एंड लुकिंग एट द अपोनेंट, क्योंकि अगेन रिमेंबरिंग कि हम अवे खेल रहे हैं एंड वी हैव बीन स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल्स, बट वी आर ऑन 8-game अनबीटन रन इन दिस टूर्नामेंट. तो आई एम गोना प्रिडिक्ट कि हम एक लेट्स जस्ट से 2-0 विक्ट्री लेकर जाएंगे अगेंस्ट अलावेस. आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू कंसीड अ गोल इन दिस मैच बिकॉज करतुआ इज प्लेइंग. सो मेरी गेस है 2-0. आप में से भाई आप लोगों की क्या गेस है एंड आप लोगों को क्या लगता है अबाउट द करेंट रियल मैड्रिड स्क्वाड एंड एवरीथिंग, डू लेट मी नो डाउन इन द कॉमेंट्स. अलॉन्ग विद दैट एक छोटी सी अनाउंसमेंट है भाई, हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन टू एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन या फिर आप OG क्रू के मेंबर बनना चाहते हैं, विच इज बेसिकली द फर्स्ट 50 मेंबर्स जो हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे, who would always have a special place in that Discord chat. So if you are interested in joining the Discord and becoming a part of our OG crew and playing PES with me and a lot of our friends, do join our Discord. And with that said, I hope Real Madrid wins this game. I hope we are happy is match ke baad. Hala Madrid, and see you next time. Until then, this is FKR saying.